अमीर घर की है फिर भी नाचती है स्टेज पे। हाँ भाग के आ गई हूँ मैं, बहुत अमीर घर की हूँ। घर से कोई मेरा रिलेशन नहीं है। मेरा दादा आर्मी ऑफिसर है, मेरा दादी डॉक्टर है, मेरा पापा भी डॉक्टर है। भाग के आई है घर से? आप भाग कर आई है और यहाँ पर थिएटर में डांस करती है। हाँ, परिवार को क्यों छोड़? मैं अपना मन से जीना चाहती थी, जैसे मेरा घूमना, मेरा बाड़ में जाना, मेरा बहुत शौक है। मेरा लाइफ में बहुत कुछ है जो मैं करना चाहती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड ही मेरा घर वाला है, सब कुछ वही है, मेरा मम्मी पापा, मेरा सब कुछ, मेरा जिंदगी ही वही है बस, मुझे और कोई नहीं चाहिए। मजबूरी है या मर्जी कहे? मजबूरी मेरा तो कुछ ही नहीं है, मैं बड़ी घर की लड़की हूँ, सबको ही जानता है। तो ये दिल्ली की बेटी है जो अभी फिलहाल राजगीर में डांस कर रही है, नाच रही है, और बहुत लोग जो है बिहार में डांसर को नाचने वाली बोलते हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, कैसा लगता है जब अगल बगल के लोग, पब्लिक आपको दूसरे नज़र से देखते हैं और कहते हैं तुम नाचने वाली हो? मुझे आज तक कभी बोला ही नहीं है किसी ने ऐसा कोई बात, क्योंकि मैं ऐसा हुई नहीं। मैं सबसे प्यार मोहब्बत से बात करती हूँ, मैं प्यार मोहब्बत वाला लड़की हूँ। मुझे जो प्यार से बोलेगा, जे प्यार से देगा तो भी ठीक, नहीं देगा तो भी ठीक, मुझे पैसा का इतना लालच नहीं। मैं मेरा शौक से आई हूँ। आप यहाँ पर कितने दिन से हैं राजगीर में? राजगीर में हो गया मेरा 15 दिन। 15 दिन तो डांस 15 दिन से चल रहा है, थिएटर 15 दिन से कर रहे हैं। हाँ, तो 15 दिन में ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई लड़का जो आपके साथ बदतमीजी किया हो? नहीं, कभी भी नहीं। या फिर पैसा दे करके बोला होगा चलो हम तुमको खरीदते हैं, तुमको ये करेंगे वो करेंगे तुम्हारे साथ? नहीं, कभी ऐसा कुछ नहीं बोला है। पैसा देता है, हंसता है, नंबर मांगता है, बस इतना ही, इतना ही करके छोड़ देता। फिर आप लोग क्या करते? हम लोग मैं तो नंबर लेती हूँ, उन लोग का मुँह का सामने फाड़ देती हूँ, मेरा आदत है, सबको जानता है। आपका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड? मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड इस काम को सपोर्ट करता है? नहीं, वो बोला है जो शादी के बाद सब छुड़ा देगा। शादी के बाद सब छुड़ा देंगे? हाँ। नहीं सपोर्ट करता? नहीं, घर वाला कोई नहीं करता, घर वाला कोई नहीं जानता है ना, मैं भाग के आई हूँ घर से। भाग के आई है घर से? आप भाग कर आई है और यहाँ पर थिएटर में डांस करती? हाँ, एक सहेली का चक्कर में भाग के आ गई थी घर से। इसके? एक सहेली का चक्कर में, लड़की के चक्कर में। तो कभी अफसोस होता है कि हम नाचते क्यों है, डांस क्यों करते हैं इतने लोगों के बीच? नहीं, मेरा शौक है। मैं जब छोटी थी ना तब मैं आई थी इस लाइन में, मेरा पवन सिंह और खेसारी का साथ, दोनों के साथ ही फोटो है, दोनों के साथ है। काम क्या करना है, यही नाचना है या फिर आगे कुछ करना है? नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मैं फोटोशूट में जा रही हूँ कुछ दिन बाद ही। हाँ, फोटोशूट में जा रही हूँ दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली जा रही हूँ। यहाँ पर व्यवस्था क्या है? बिहार आई है, राजगीर आई है, तो क्या व्यवस्था है रहने खाने का? इधर मैं नहीं जानती, मैं अपना 10,000 में होटल लेके रह रही हूँ, होटल में रहती हूँ, खाना अपना पैसा देती हूँ होटल। हाँ, आपके ऑनर जो है ये सब बुक नहीं करते? नहीं, हम लोग लड़की लोग ही देना पड़ेगा, लड़की लोग को ही बस। कितना कमा लेती हैं आके एक महीना? एक महीना में मेरा 30,000। 30,000 होटल का दे देती? हाँ। खाने वाने का? खाने वाने का खर्चा मालिक देता है। मालिक देता है? हाँ। समय पे पैसा देता है? हाँ। और ये संजय कौन है भाई? संजय मेरा बॉयफ्रेंड का नाम है। संजय अपने बॉयफ्रेंड का टैटू भी बनवा रखी है। को ये डांस करना पब्लिक के बीच अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता, फिर भी करती हूँ, कभी कहीं मौका मिल जाए कुछ, इसलिए। ये मजबूरी है या मर्जी कहे? मजबूरी मेरा तो कुछ ही नहीं है, मैं बड़ी घर की लड़की हूँ, सबको ही जानता है, मेरा घर वाला से शुरू करके, मेरा बॉयफ्रेंड से शुरू करके, मेरा दोस्त है, सबको ही। अमीर घर की है फिर भी नाचती है स्टेज पे? हाँ, भाग के आ गई हूँ मैं, बहुत अमीर घर की हूँ। मेरा दादा आर्मी ऑफिसर है, मेरा दादी डॉक्टर है, मेरा पापा भी डॉक्टर है। तो आप इस तरह स्टेज पे नाचती है तो कोई बोलता नहीं है कि तुम नाच रही हो, नाक कटा रही हो, नाम धसा रही हो घर का? घर से कोई मेरा रिलेशन नहीं है, बस बॉयफ्रेंड से। परिवार को क्यों छोड़? अब मेरा बॉयफ्रेंड ही मेरा घर वाला है, सब कुछ वही है, मेरा मम्मी पापा, मेरा सब, मेरा जिंदगी ही वही है बस, मुझे और कोई नहीं चाहिए। परिवार क्या मारपीट करता था, क्यों भाग के आई? नहीं, मैं अपना मन से जीना चाहती थी, जैसे मेरा घूमना, मेरा बाड़ में जाना, मेरा बहुत शौक है, मेरा लाइफ में बहुत कुछ है जो मैं करना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं आपको ग्लैमर वाला लाइफ पसंद? हाँ। फैमिली अलाउड नहीं करती? नहीं, इसीलिए भाग? हाँ। बताइए, आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा तो? गलत नहीं होगा, मम्मी पापा का हाथ है मेरा ऊपर, कुछ नहीं होगा मुझे। बातचीत होता है मम्मी पापा? हाँ, बात होता है, मम्मी बोलता है, मम्मी रोता है, बोलता है आ जा, मैं बोलती नहीं, मैं नहीं आऊँगी, मेरा शौक है। काजल राज जो है ना, मेरा फ्रेंड है, भी है, ठीक है। अगर हस्बैंड बोल रहा है होने वाला कि ये काम छोड़ देना शादी के बाद, तो काम छोड़ दीजिए। हाँ, जरूर छोड़ देंगे, लेकिन मौका मिल जाएगा कभी कहीं बड़ा जगह तो मेरा उससे बात करके मैं उधर भी काम करूँगी, मिल जाएगा तो। चलिए, तो कंफर्टेबल है एकदम? हाँ, बहुत। ये तो फैमिली का सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन इनके होने वाले हस्बैंड का सपोर्ट है, जिसका टैटू भी बनवा रखी है। और धोखा का तो नहीं ना देगा संजय?
कभी भी नहीं, मर जाएगा वो मेरा बिना। उस दिन ही फिनाइल पी लिया था। फिनाइल? हाँ। आपके बिना? एक दिन से फोन नहीं किया था तो ऐसे हालात हो गया था उसका, मोबाइल तोड़ दिया अपना। ये नहीं करना है। और ये लड़की दिल्ली की है और अपना स्ट्रगल कर रही है और मतलब कहीं ना कहीं प्यार में है भैया, घर परिवार छोड़ करके भाग करके थिएटर में डांस कर रही है, नाच रही है और अपना कुछ पैसा कमा रही है। इनके होने वाले पति संजय का कहना है कि शादी हो जाएगा तो तुमको ये काम छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमको ये काम नहीं पसंद है। फिलहाल अभी सपोर्ट कर रहा है और ये भी आगे कहीं ना कहीं काम छोड़ देंगी। मैं यही कहूँगी भैया, काम छोड़कर अच्छे काम में रहिएगा क्योंकि हमारा जो समाज है इस काम को सही नहीं कहता। नहीं, जरूर ये नहीं कहता है। शुक्रिया। शुक्रिया।